दोस्तों, आज तक आपने कई जीवों के अंडे देखे होंगे जो देखने में साधारण से होते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे अंडे दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। ग्रीन लेसविंग। ग्रीन लेसविंग एक बग की प्रजाति है जो हरे रंग की होती है। इस जीव के अंडे बेहद ही अलग और अनोखे होते हैं, और ये कुछ लोगों को ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप इन्हें देख भी ले तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किसके अंडे हैं। इसकी वजह है इनका स्ट्रक्चर। ये जीव हरे पत्तों पर अपने अंडे देते हैं जो दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। शुरुआत में इसके अंडे सफेद और फिर इसके हल्के रंग के हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये हैच होने तक ही प्रक्रिया तक पहुंचते हैं, इनका रंग बदलकर गहरा हरा हो जाता है, जो दिखने में ऐसा लगता है मानो ये किसी पौधे का हिस्सा हो। आयाम सेमानी एक्स। आयाम सेमानी चिकन बहुत ही पॉपुलर चिकन ब्रीड्स में से एक है, जो कि इंडोनेशिया की खास प्रजाति है। और ये मुर्गी पूरी तरह से काले रंग की होती है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। इस मुर्गी को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है, इसी कारण से ये मुर्गी अंडे भी कम देती है। अगर इनके एग्स की बात करें तो जरूरी नहीं है हर वक्त ये ब्लैक रंग की हो, कभी कभार इनका रंग ब्राउन भी हो जाता है। पर इनके एग की साइज नॉर्मल चिकन एग से काफी बड़ी होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हें क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया है, इसलिए ये मुर्गी बाकी मुर्गियों से ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। और इन मुर्गियों के अंडे बाजार में आम मुर्गियों के अंडों से 5 से 6 गुना ज्यादा दाम में बेचे जाते हैं। साउदर्न कसोवरी एग्स। साउदर्न कसोवरी ये पक्षी उड़ नहीं सकते, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खास प्रजातियों में से एक है। ये पक्षी अपने बड़े काले पंख और नीले मुंह की वजह से ज्यादा मशहूर है। इतना ही नहीं, ये पक्षी दुनिया का दूसरा सबसे वजनदार पक्षी भी है। इनकी सुंदरता पर मत जाइए, क्योंकि ये जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही आक्रामक भी होते हैं। इनके अंडों की बात करें तो साउदर्न कसोवरी के अंडे गहरे हरे रंग के होते हैं, और इनकी साइज की बात करें तो ये शुतुरमुर्ग के अंडों से थोड़े से छोटे होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे भले ही बड़े हों, लेकिन ये दिखने में नॉर्मल होते हैं, लेकिन कसोवरी के अंडे बड़े होने के साथ साथ दिखने में इनके जैसे ही सुंदर होते हैं, बिल्कुल किसी हरे जेमस्टोन की तरह। और अंडे देने के बाद ये बर्ड और भी ज्यादा आक्रामक स्वभाव के हो जाते हैं, जिससे वो अपने अंडों को दूसरे जानवरों से बचा सके। और जब ये अंडे हैच हो जाते हैं, तब ये बर्ड करीब 9 महीनों तक अपने बच्चों के साथ उनका ख्याल रखते हैं, और 9 महीने पूरे होने के बाद उन्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। स्लग एग। इस जीव के मेल और फीमेल इन दोनों को ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। प्रजनन क्रिया पूरी होने के बाद कुछ हफ्तों में ही अंडे देते हैं। इनके अंडे बहुत छोटे होते हैं, जो कि दिखने में कुछ हद तक मैजिक बॉल की तरह दिखाई देते हैं, जिसमें अंदर होने वाली प्रक्रिया भी आसानी से देखी जा सकती है। ये एक बार में 20 से 50 अंडे दे सकते हैं। अंडे से बाहर आने के बाद स्लग बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगते हैं, और करीब 2 महीने में ये ग्रोन स्लग बन जाते हैं। वैसे तो स्लग्स साइज में छोटे होते हैं, लेकिन लॉस एंजलस के पानी में मिली ये अब तक की सबसे बड़ी स्लग है। हॉर्न एंड घूस्ट शार्क। इस शार्क के अंडे दिखने में बड़े अनोखे और काले रंग के होते हैं। इसके अंडे स्पाइरल शेप में होते हैं, जो कि दिखने में कुछ हद तक एक स्क्रू जैसे ही दिखते हैं। अंडे देने के बाद ये शार्क उन्हें अपने मुंह से पकड़कर पानी के नीचे पत्थरों में फंसा देती है, जिसमें इन अंडों को समुद्र के बाकी दूसरी जीवों से खतरा ना हो। और फिर अंडे अपने आप ही हैच होकर अपना खुद का जीवन खुद ही बिताना शुरू कर देते हैं। ऐसा एक और अजीब अंडा कार्टिलाजिनस फिश में पाया जाता है, जिसे घूस्ट शार्क के नाम से जाना जाता है। और इनके अंडे पूरे काले रंग के होते हैं और कुछ इस तरह दिखते हैं, जो कि समुद्र के सबसे ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं, और इसी वजह से इनके अंडों को बहुत कम लोगों ने देखा है। रॉबिन्स एग। ये छोटा सा पक्षी दिखने में बड़ा ही सुंदर होता है, जिसके ब्राउन पंख, सफेद पेट और ऑरेंज चेस्ट होता है, जिसमें पूरे कलरफुल दिखाई देते हैं। जिस तरह ये बर्ड सुंदर है, उसी तरह इनके अंडे भी सुंदर होते हैं, जो कि पेल ब्लू रंग में होते हैं। और ये अंडे बाकी छोटे पक्षियों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखाई देते हैं। ये बर्ड साल में एक बार ही अंडे देते हैं, जिसमें हमेशा एक साथ 3 अंडे ही देते हैं, और इन अंडों को हैच होने में करीब 2 हफ्तों का वक्त लग जाता है। येलो हेडेड जॉफिश। मछलियों के अंडों के बारे में जानना तो आम बात है, लेकिन अभी आप जो मछली देखने वाले हैं, वो इन सब में बेहद अलग है, क्योंकि इनके अंडे देने से लेकर हैच होने की प्रोसेस बड़ी अनोखी है। फीमेल्स जब अंडे देने के बाद मेल उन अंडों को अपने मुंह में रख लेते हैं। ये मछली एक बार में तकरीबन 200 से 300 अंडे देती है, यानी कि ये जॉफिश अपने मुंह में एक बार में तकरीबन 200 से 300 अंडे पाल रही होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ खाते वक्त अंडों को कहां रखते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें, जब तक ये अंडे पूरी तरह से हैच नहीं हो पाते, तब तक ये मछली कुछ भी नहीं खाती,
और उनकी बाकी समुद्री जीवों से रक्षा करती है। उसे अपने खाने के लिए अंडों के हैच होने का सब्र रखना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सी अर्चिन्स। सी अर्चिन्स किसी बॉल जैसे दिखते हैं जिसमें कांटे लगे हो। समुद्र के सभी सी अर्चिन्स एक जैसे दिखते हैं और इनके अंडों की बात की जाए तो ये ब्रीडिंग सीजन के चलते एक बार में 20 मिलियन एग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। सी अर्चिन साल में कभी भी अंडे देते हैं, लेकिन सिर्फ गर्मी के मौसम को छोड़कर। ये छोटे छोटे क्लाउड बॉल्स जैसे अंडे पानी में छोड़ते हैं। पानी में छोड़ने के बाद जाहिर सी बात है बाकी दूसरे जीव इन्हें खाने के बारे में जरूर सोचेंगे, और वैसा करते भी है। लेकिन अंडों की संख्या बहुत ज्यादा यानी कि मिलियंस में होने के कारण बहुत से अंडे दूसरे समुद्री जीवों से बच जाते हैं और कुछ ही घंटों में इनका रूपांतरण माइक्रोस्कोपिक बॉल में हो जाता है, जिसके भीतर छोटे छोटे बाल भी आते हैं। और एक बार उनकी बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होने पर वे अपना बचाव खुद कर सकते हैं। हनी बीज। सभी जानते हैं कि बीज यानी मधुमक्खियों को शहद के लिए मशहूर माना जाता है, लेकिन आज हम इनके अंडों की बात करने वाले हैं। बहुत से लोग जानते होंगे कि मधुमक्खियों में सिर्फ उनकी रानी मधुमक्खी ही अंडे देने का काम करती है। इस रानी का जन्म ही आम मक्खियों जैसा ही होता है। इसके प्रजनन की शुरुआत होती है लार्वा से, और करीब 16 दिन बाद रानी मधुमक्खी का जन्म होता है, और 12 दिन बाद रानी एडल्ट स्टेज में आ जाती है। बड़ी होने के बाद कुछ ही दिनों तक हवा में घूमकर 6 मेल मधुमक्खियों के साथ संयोग करती है, और रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही संयोग करती है, जिसके बाद वो हर दिन में करीब 1000 से 1500 अंडे देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अंडे देने की प्रक्रिया तकरीबन 2 साल तक चलती रहती है। इनके छत्ते के हर एक होल में अंडे होते हैं, जिसमें से एक एक करके मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं, और रानी मधुमक्खियों में एक खास तरह की सुगंध होने के कारण जहां भी वो जाती है उसका छत्ता उसके पीछे पीछे आ जाता है। सेसिलियन। इस तरह के कीड़े हमें बहुत सी जगह पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बड़ी आम बात है, लेकिन इनके अंडे कैसे होते हैं ये शायद ही आपने इससे पहले देखा होगा। ये जब भी ब्रीडिंग के सीजन में होते हैं तभी अपने ग्रुप के साथ ही होते हैं, जिसमें 200 तरह की अलग अलग प्रजातियां शामिल होती है, और ये अंडे भी 200 तरह की अलग अलग प्रजातियों को ही देते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे और ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसमें अंडे के अंदर चल रही प्रक्रिया को हम साफ साफ और आसानी से देख भी सकते हैं। लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। अंडों से निकलने के बाद ये जीव करीब 1 हफ्ते के अंदर ही एडल्ट साइज तक पहुंच जाते हैं। एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी ग्रोथ इतनी जल्दी होती है। एंट्स। आमतौर पर चींटियां हमारे घर में भी पाई जाती है, लेकिन शायद ही आप में से किसी को इनकी ब्रीडिंग के बारे में पता होगा। चींटियों में उनकी पूरी कॉलोनी की एक रानी होती है और वही अंडे देने का काम करती है और आने वाली पूरी कॉलोनी का निर्माण करती है। ये रानी तकरीबन 300 से 1000 अंडे दे सकती है। ये इतने ज्यादा है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। और ये क्वीन एंट अपनी मर्जी से अंडों को फर्टिलाइज करती है। जिस अंडे को ये फर्टिलाइज करती है वो अंडा आगे चलकर आम चींटी जैसा बन जाता है, और जिसे ये फर्टिलाइज नहीं करती वो अंडा आगे चलकर ड्रोन एंट यानी कि उड़ने वाली चींटी बन जाता है, जिनका काम सिर्फ क्वीन एंट से संयोग करना ही होता है। क्वीन एंट मेंटिंग के बाद एक दिन में तकरीबन 1000 अंडे देती है। उसे ये अपने जीवन के आखिर तक करना पड़ता है। इस वजह से इन्हें खुद से ताकत लानी पड़ती है, तभी अपने ही विंग्स खाते हैं, जिससे उन्हें अंडे देने में और ज्यादा समय मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से जीव के अंडे सबसे अनोखे लगे हमें नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और यार, ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, इसे एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ, शेयर भी कर देना। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।